फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम एजुकेशन विद रघुवंशी जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में, और वो भी स्पेशली इन कंसर्न विद जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। तो जो सभी विद्यार्थी हमारे जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से बीएससी बायोलॉजी से कर रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों के लिए होने वाला है। तो आज की वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें आप सभी को हम बताएंगे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस, साथ ही साथ बॉटनी और जूलॉजी के जो दो दो पेपर होते हैं उन दोनों का सिलेबस हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस आप सभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट जो है इट इज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटर्स। मैं आप सभी को सबसे पहले एक बात बता दूं कि आप सभी जो है इसका सिलेबस का पीडीएफ हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको इसका पीडीएफ जो है वहां से अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटर्स, तो ये है इसका सिलेबस, आप डिटेल में जो है सब टॉपिक्स वहां से जाके देख लीजिएगा। तो सेकंड नंबर यूनिट जो है इट इज गैसियस स्टेट्स, जिसके अंदर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह पढ़ेंगे, कुछ क्रिटिकल फिनोमेना और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी वगैरह के बारे में हमारे लिए है। साथ ही साथ नेक्स्ट थर्ड यूनिट जो है इट इज लिक्विड स्टेट एंड कोलाइडल, तो इसके बारे में बात करेंगे। और जो फोर्थ यूनिट है हमारी, तो फोर्थ यूनिट जो है इट इज अबाउट सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग जो है इसमें देखने वाले हैं, ये ब्रैग्स इक्वेशन वगैरह भी सब इसके अंदर है सिलेबस में हमारे। और साथ ही साथ इसकी फिफ्थ यूनिट जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, तो इसमें भी सारा कुछ कॉन्सेप्ट है, अरेनियस इक्वेशन वगैरह, कैटालिसिस वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, तो ये भी है फिफ्थ यूनिट। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें पांच यूनिट थी जो हम देख चुके हैं, तो ये है पांचों यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारी पहली यूनिट है सिलेबस के अंदर वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो ये हम देखने वाले हैं। इसमें जो है वो पीरियोडिक टेबल वगैरह, ये ऑर्बिटल्स, एफ बाऊ, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होन्स मल्टीप्लिसिटी रूल और सारे कुछ दिया है रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो पोर्शन है वो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सेकेंड यूनिट में हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट वन है सेकेंड यूनिट के अंदर, ठीक है जी। तो इसमें ये VSCPR थ्योरी वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। थर्ड यूनिट में हमारा है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट टू एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में, फजांस रूल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट वगैरह, ठीक है, ये सब के बारे में देखेंगे। फिर आ जाइएगा फोर्थ यूनिट पे, फोर्थ यूनिट में हम लोग देखने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पार्ट वन है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। और फिफ्थ फोर्थ यूनिट जो है हमारी, सॉरी दिस माइट बी द फिफ्थ यूनिट, तो फिफ्थ यूनिट जो है इट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स फोर्थ, जिसमें दिया हुआ है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, तो सब कुछ इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। सो गाइज, दिस इज ओवरऑल द सिलेबस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेट्स कम ऑन सिलेबस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लें दोस्तों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूनिट नंबर वन के अंदर देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में। तो सिलेबस में है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग फर्स्ट यूनिट में, सेकेंड यूनिट जो है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फाइनली आ जाइएगा थर्ड यूनिट पे, तो थर्ड यूनिट के अंदर हम बात करने वाले एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के बारे में। तो काफी अच्छा खासा सिलेबस है, फिर इसमें आप देखेंगे एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी के बारे में भी, ठीक है जी।
फिर जो है दोस्तों ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोर्थ यूनिट जो है इट इज अबाउट एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, डाइन्स एंड एल्काइन्स। तो ये सभी भी हमारे सिलेबस में है बीएससी फर्स्ट ईयर प्रोग्राम के अंदर। और यूनिट नंबर 5 जो है इसके अंदर है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, ठीक है, दोनों चीजें हैं इसमें। SN1 SN2 रिएक्शन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी दिया हुआ है इसमें। DDT के स्ट्रक्चर वगैरह और BHC दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड वगैरह के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो ये 5 यूनिट हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बस दोस्तों ये तो हुआ केमिस्ट्री का सिलेबस, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जूलॉजी की। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये है बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी पेपर नंबर 1 का सिलेबस, और जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं लाइफ एंड डाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ एनिमल्स के बारे में। तो इसमें है फंक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द टाइप्स इंक्लूडेड विद स्पेशल एम्फेसिस यानी फोकस ऑन द एडाप्टेशंस टू देयर मोड्स ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल फाइला अप टू ऑर्डर्स विद एग्जाम्पल्स एम्फेसाइजिंग देयर बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एंड कंजर्वेशन मेजर्स वेयर रिक्वायर्ड। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर हम लोग बात करेंगे यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स अप टू ऑर्डर, प्रोटोजोआ फाइलम के बारे में, पोरीफेरा, सीलियंटीरेटा और हेलमिंथ्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 के बारे में हम देखेंगे फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। यूनिट नंबर जो 3 है इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर जो है यूनिट नंबर 2 में हेमिकॉर्डेटा के बारे में, यूनिट नंबर 3 में हम देखेंगे यूरोकॉर्डेटा, और फाइनली जो 4th पार्ट है उसके अंदर हम देखेंगे सेफेलोकॉर्डेटा। हमारी जो मेन यूनिट नंबर 4 है इसके अंदर हम बात करेंगे एगिनेथा के बारे में और कंपैरेटिव वर्टिब्रेट्स वगैरह, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ वर्टिब्रेट, जिसमें हम फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है जी। तो यूनिट नंबर 5th जो है हमारी मेन, तो इसके अंदर हम देखेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, मतलब ऊपर जो है हमने इनके सब जो टॉपिक्स हैं वो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम जिसके अंदर गर्डल्स के बारे में बात करेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पे जो है हम जो है इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट एंड एओर्टिक आर्क्स ओनली, और नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में और यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। सो दिस इज ओवरऑल सिलेबस ऑफ जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 1, जिसके अंदर ये 5 यूनिट हैं जिनकी हमने बात कर ली। चलिए पेपर नंबर 2 का सिलेबस देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये है बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी पेपर नंबर 2 का सिलेबस, जिसमें हम बात करेंगे सेल एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में, मतलब सेल बायोलॉजी है इसमें टॉपिक में। तो यूनिट नंबर 1 जो है उसमें टॉपिक है द सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी, सेल थ्योरी और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स इन सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। यूनिट नंबर 2 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस आ जाएगा। सेकंड इज एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैंसर। थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग देखने को मिलेगा कि एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सेलुलर बेसिस ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे आप यहाँ पे। तो अगर हम यूनिट नंबर 3 की बात कर लें तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एम्स एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, पार्थेनोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, ठीक है जी। यूनिट नंबर 4 में आप देखेंगे प्रोसेसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन एंड फेट, मैप कंस्ट्रक्शन विद फ्रॉग एंड चिक, गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग एंड चिक अप टू द फॉर्मेशन ऑफ जर्माइनल लेयर्स। थर्ड पार्ट में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस, डिटर्मिनेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। फाइनली यूनिट नंबर 5 में आप लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिकन्स, प्लेजेंटेशन मैमल्स, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमानिया और कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन, एंड फाइनली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। So this was overall syllabus of zoology paper number 2 of BSc first year program, ठीक है जी। तो चलिए आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, आपको सिलेबस के साथ में कुछ बुक्स जो है वो रिकमेंडेड की गई हैं, आप चाहें तो इन बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड बुक्स
तो आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और आप रेफर कर सकते हैं इनमें से कोई भी बुक। ठीक है जी, तो ये ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका, तो आप लोगों को शायद थोड़ी हेल्प हो जाए। ओके, आई होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग फाइनली बात करते हैं बॉटनी के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, बॉटनी का सिलेबस देखने से पहले आप लोगों को मैं चलिए ये और बता ही दे रहा, जूलॉजी का जो प्रैक्टिकल वर्क है उसका भी यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि द प्रैक्टिकल वर्क विल बी बेस्ड ऑन थ्योरी सिलेबस एंड द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू शो अ नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग। जैसे सबसे पहला स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन एंड स्लाइड्स रेलेवेंट टू द टाइप्स स्टडीड इन थ्योरी। उसके बाद मेजर डायसेक्शन में आप देखेंगे कॉकरोच, प्रॉन, पाइला और टीलियोस्ट फिश। फिर माइनर डिसेक्शन में है हेस्टेट प्लेट एंड अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन्स, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ कॉकरोच एंड रेड्यूला ऑफ पाइला। ठीक है जी। फोर्थ में आप देख लेंगे माउंटिंग में टेम्पररी माउंटिंग देखेंगे, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन, सेंटीडियम एंड ऑस्फेरिडियम ऑफ पाइला, स्केल्स ऑफ टीलोस्टियन फिश एंड फाइनली माउंटिंग मटेरियल। फिफ्थ पार्ट के अंदर आप देखेंगे ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी में आप लोग गर्डल्स और स्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिक्स्थ पार्ट में आपको देखने को मिलेगा स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर एंड बर्ड्स। और साइटोलॉजी है सेवेंथ में, जिसके अंदर ये काफी सब पार्ट दिए हुए हैं। और एम्ब्रियोलॉजी है नाइन्थ में, फील्ड स्टडी रिपोर्ट और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। सो दिस इज ओवरऑल सिलेबस ऑफ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड ऑफ जूलॉजी। तो चलिए, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बता दिया, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आ जाते हैं बॉटनी के सिलेबस के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये है बीएससी पार्ट वन बॉटनी पेपर वन के सिलेबस, और ये है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगैम्स के बारे में। तो इसके अंदर यूनिट नंबर वन में आप जो है देखने वाले हैं वायरसेस एंड बैक्टीरिया के बारे में। और पहले ही बता दूं मैं आप लोगों को, आप डिटेल में जो है सिलेबस हमारी पीडीएफ की हेल्प से जाके देख लें, बाकी मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर ही दे रहा कि यूनिट नंबर वन में वायरसेस और बैक्टीरिया है, यूनिट नंबर टू में जो है वो एल्गी है, यूनिट नंबर थ्री में जो है वो फंजाई है, यूनिट नंबर फोर में आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, यूनिट नंबर फाइव जो है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा टेरिडोफाइटा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ में अब यहां पर ये जो है सजेस्टेड रीडिंग, तो कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, आप चाहें तो इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं गाइस। ठीक है, सजेस्टेड लेबोरेटरी एक्सरसाइजेस, तो लैब में आप इनके ऊपर जो है वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह प्रिपेयर करेंगे और आपको जो है इनके बारे में एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे। तो बस ये है। तो दोस्तों, पेपर नंबर टू के सिलेबस के बारे में बात कर लें, तो ये है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के ऊपर। तो यूनिट नंबर वन में आप लोग यहाँ पे बात करेंगे सेल बायोलॉजी की। यूनिट नंबर वन में अगर हम बात कर लें तो द सेल एनवेलप, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाइलेयर, लिपिड स्ट्रक्चर, फंक्शंस और सेल वॉल के बारे में। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम और वैक्यूल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे आप यहाँ पे। यूनिट नंबर टू में आपको देखने को मिल जाएगा क्रोमोजोम ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट नंबर थ्री में आपको पढ़ने को मिलेगा क्रोमोजोमल अल्टरेशन। ठीक है जी। तो फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा डीएनए द जेनेटिक मटेरियल। फाइनली फिफ्थ यूनिट द लास्ट वन, जेनेटिक इनहेरिटेंस आप पढ़ोगे यहाँ पे, मेंडलिज्म वगैरह के बारे में, जेनेटिक वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया, और यहाँ पे जो है वो लास्ट में आप लोगों को कुछ बुक्स के नाम जो है अगेन रिकमेंड किए गए हैं, आप इन बुक्स को चाहे तो रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे सजेस्टेड लेबोरेटरी एक्सरसाइज मेंशन की गई है। दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके फटाफट से। और लास्ट में जो है सजेस्टेड रीडिंग्स फॉर लेबोरेटरी एक्सरसाइज के लिए भी कुछ बुक्स के नाम रिकमेंड किए गए हैं। आई होप सो आप सभी को हमारा आज का जो सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर प्रोग्राम का, वो समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज वीडियो। आई होप सो यू फाउंड इट टू बी हेल्पफुल। इफ यस, देन प्लीज शो योर सपोर्ट बाय गिविंग दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। What next would you like to see on our YouTube channel? So please do comment it below in the comment section. And you can also follow me on Instagram. My name is Atesh, and thanks for watching this video.